ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? क्या हुआ? ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? किसी को आइडिया है? व्हाट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? किसी को कुछ आइडिया है? ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बायो से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रिलेट करता है किससे? बायोकेमिस्ट्री से। किससे? बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? ऐसी केमिस्ट्री जो किससे रिलेशन रखती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो सब किस में हम पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। और ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? केमिकल से बनी है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? तमाम के तमाम डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल की अगर बात करें हम, ठीक है, तो हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर 70% क्या होता है? वाटर। ठीक है, सेल के अंदर 70% क्या होता है? वाटर। और अगर इस वाटर को हम एवोपरेट कर दें, क्या कर दें? ठीक है, जब इस वाटर को हम एवोपरेट करेंगे तो हमारे पास सेल के अंदर जो मास बचेगा उसको बोलते हैं ड्राई वेट। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपने एक सेल लिया, ठीक है, उसके अंदर कितना वाटर होता है? 70%। उसको आपने क्या कर दिया? एवोपरेट कर दिया। जब सारा वाटर आप एवोपरेट कर दोगे तो पीछे जो मास बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई वेट। ठीक है, उस ड्राई वेट के अंदर जो है आपके पास कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं? सारे केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ड्राई वेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं सारे के सारे क्या? ऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्राई वेट के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन क्या हो? बेसिक एलिमेंट हो। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर 70% क्या होते हैं? वाटर। उस वाटर को जब हम एवोपरेट कर देंगे तो क्या बचेगा? ड्राई वेट। उस ड्राई वेट के अंदर हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन क्या होता है? बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट है सेल का। सेल का जो लिविंग पार्ट है जहाँ पे तमाम फंक्शंस हो रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और ये कैसे बनता है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70% क्या होता है? वाटर। वाटर को अगर एवोपरेट कर दें तो क्या बचेगा? ड्राई वेट। और ड्राई वेट में ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है? कार्बन बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा भी हमारे पास क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं वैसे? पीरियोडिक टेबल याद है? तकरीबन 118 है, और भी डिस्कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो उन 118 में से हमारे पास 6 ऐसे मेजर एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 6 अराउंड 25 एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन 6 ऐसे हैं जो जिनकी क्वांटिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और हमारी बॉडी के अंदर 98% जो है ना वो 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने? 98% हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी सिंध बोर्ड की बुक है पुरानी वाली उसके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस।
ठीक है, हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है टेक्स्ट बुक की पुरानी वाली, उसके अकॉर्डिंग 98% हमारे पास 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। लेकिन फेडरल बुक के अंदर, फेडरल बुक के अंदर फॉस्फोरस की जगह क्या है, कैल्शियम। ठीक है, ये याद रख लेना कि आपकी जो पुरानी बुक थी उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, सॉरी फॉस्फोरस की जगह नहीं, सल्फर की जगह, ठीक है, सल्फर की जगह क्या है, कैल्शियम। फेडरल की बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ है। मेजर एलिमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, जबकि आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, सल्फर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर 98% जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ये तीन हैं अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड बुक और फेडरल बुक के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे कैल्शियम, सही है, किसकी जगह, सल्फर की जगह कैल्शियम, ये मेजर एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ होते हैं माइनर एलिमेंट, कुछ क्या होते हैं, जो 1-2% होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्या आता है, आयरन नहीं आता, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, क्लोराइड आता है, ठीक है, और कुछ होते हैं ट्रेसिस में, ट्रेसिस का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़े होते हैं, 0.01%, उसमें आयरन आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, तो ये सारे क्या हैं, बहुत सारे ट्रेसिस में पाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको फेडरल बुक की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो न्यू बुक आएगी वो फेडरल के पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो ट्रेसिस के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कितने होते हैं वो, 0.01%, उनमें कौन सा होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे होते हैं, ठीक है। और जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं, वो 1-2% होते हैं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर वाटर कितने हैं, 70%। उस वाटर को एवापोरेट करने तो क्या बचेगा, ड्राई वेट। उस ड्राई वेट के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हैं 98%, उनके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं जिनको हम मेजर एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें जो आपकी पुरानी वाली सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली जो बुक है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। फेडरल की बुक के अंदर सल्फर की जगह क्या है, कैल्शियम। ट्रेसिस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं वो कौन से हैं, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर वगैरह, ये बहुत क्या होते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं। और माइनर एलिमेंट कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो कंपाउंड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें दो हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक और कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास जो है वो वाटर आता है, क्या आता है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और साथ में मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में सारे यही होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आता है, वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स में तमाम चीज़ें ये आती हैं, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, ठीक है, तमाम चीज़ें किस में आती हैं, मिनरल्स में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी वो क्या होता है, एनर्जी की सोर्स होती है, क्या होती है, एनर्जी सोर्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना रहे होते हैं। प्रोटीन जो है हमारे मसल मास बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं वो किससे बनते हैं,
लिपिड जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, लिपिड में। ठीक है, लिपिड के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। लेकिन हमारी बॉडी लिपिड को इस्तेमाल नहीं करती, सबसे पहले हमारी बॉडी किसको इस्तेमाल करती है, कार्बोहाइड्रेट को। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो फिर वो किसको इस्तेमाल करेगी, लिपिड किस लिए काम आती है बेटा, लिपिड जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाती है। क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, लिपिड से। और न्यूक्लिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाता है, डीएनए के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए जो है आपका कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और आरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में। आरएनए का काम क्या होता है, मैसेज लेके जाता है कहाँ से, डीएनए से साइटोप्लाज्म में। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। वाटर जो है बेटा, वाटर के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होते हैं वो उसके उसके एटम कितने होते हैं, दो होते हैं, और ऑक्सीजन के एक होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास, H2O। ठीक है, जब हम इसका, वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। अगर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, और ये हमारा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव क्यों बोलते हैं, समझाओ कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सुना है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखो वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, आपस में दो एटम जो होते हैं अपने एलिमेंट को क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं आपस में। ठीक है ना, बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रो निगेटिविटी वो काबिलियत है कि एक एटम कितने, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ। एक एलिमेंट की ये खासियत कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को कितना क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करके रख सकता है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ते जाओगे, अगर आपको याद हो, फर्स्ट ए ग्रुप होता है, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ग्रुप के अंदर, तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की क्या है, कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और हमें पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास क्या रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादातर इसकी तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहता है, और इन दोनों पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। और जब इनमें से इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर आपको दो एलिमेंट नज़र आते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल, ये तो एक मॉलिक्यूल। ठीक है,
अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इन दोनों के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, एक फोर्स बनती है, इसको हम बोलते हैं डायपोल फोर्स। क्या बोलते हैं? डायपोल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या फोर्स आएगी? डायपोल फोर्स। ये तो हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा है, क्या बना है? एक मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास जब हम वाटर को देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के अंदर। तो आपस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये तीन मॉलिक्यूल हैं, थे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने सिर्फ कितने बनाए? तीन। अब इन तीन मॉलिक्यूल के दरमियान भी क्या होगी? आपस में अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से आपस में ये साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उस फोर्स को अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है पूरा, इसके जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या है? तो इन दोनों के दरमियान भी क्या होगी? तो वो जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, वो फोर्स क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाती है? या इसको हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। क्या होती है? अब देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? तो इसके दरमियान भी अट्रैक्शन होगी। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? ठीक है, तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं? आपस में बॉन्ड बनाते हैं। फोर्स, जो फोर्स होती है, जो बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? और इसको हम कोहेसिव फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। क्या होती हैं? 90s में परसेंटेज लाने वालों बताओ, कोहेसिव पता है? मेरे टंग के ऊपर भी अल्सर हुए हैं, इसलिए बोलने में मसला हो रहा है। कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव। आप समझ में आ गया ना? मैं बताओ, पहले बात सुना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? सब रेड्यूस हो गया। कोहेसिव फोर्स जो होती है वो ऐसी फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। ठीक है, वाटर के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी, जो उनको अट्रैक्ट करेगी, वो कौन सी होगी? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जब आप गिलास के अंदर पानी भरते हैं तो सारे जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो कौन सी फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कोहेसिव फोर्स। जब आप गिलास खाली करते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल गिलास पे लगे रह जाते हैं, ऐसा होता है। तो जो गिलास की सरफेस है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है आपस में, वो क्या है? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या होती है? एडहेसिव फोर्स होती है। एडहेसिव कब होती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी? एडहेसिव। और सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी? वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 70% तो वाटर ही होता है। उसके बारे में हमने, उसके मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो बायोलॉजी के हवाले से क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले बेटा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जी, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है? सॉल्यूट। आसान भाषा में तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट। ये बिल्कुल आसान भाषा में समझाया मैंने आप, सही है, समझ गए? तो
तो अब जो सॉल्वेंट है वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्या है? वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है? और आपको पता होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, तो दुनिया में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप लगे हुए होते हैं। जैसे आपने फॉस्फोलिपिड पढ़े, उन्होंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, उन्होंने फॉस्फोलिपिड भी पढ़ा है। तो फॉस्फोलिपिड के अंदर एक हमारे पास जो फॉस्फेट एंड है वहाँ पे वो पोलर होता है, वो क्या होता है? तो इसी तरीके से कुछ जो आपके पास जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कुछ जो है वो पोलर यानी कि चार्जेस वाले ग्रुप भी होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? चार्ज मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो वो वाले सब्सटेंस भी वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। और कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर पोलर चार्जेस होते हैं, पोलर ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके पर चार्जेस मौजूद होते हैं, वो भी वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? कोई भी जो चीज़ होती है वो पहले वाटर के अंदर क्या होती है? डिसॉल्व होती है। वाटर के अंदर जाके वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो ये वाटर में जाके क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, और ये पोटेशियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वाटर में जाकर डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। और डिसॉल्व होने के बाद आगे क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चूँकि वाटर तकरीबन तमाम चीज़ों को अंदर क्या अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रीज़न भी आता है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है इसकी ये प्रॉपर्टी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। जब तक वो चीज़ अंदर जाकर डिसॉल्व नहीं होगी, आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होगी, जब तक ये रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है? वाटर की बायोलॉजी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद सेकेंड है सेकेंड प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिजिक्स पढ़ के आयो माशाल्लाह से, आयो ना पढ़ के? बताओ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चैप्टर नंबर 11। न्यू बुक तो नहीं आई ना, पुरानी बुक है ना, चैप्टर नंबर 11 में है ना, सही बता रहा हूँ ना? तो बोल गए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? आप कोई भी एक ग्राम का सब्सटेंस लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राम लिया किसी भी सब्सटेंस का होता है, एक्स वाई जेड, इसका इस टाइम जो टेम्परेचर है वो कितना है? 30 डिग्री, सही है। हमने एक ग्राम लिया, कोई भी चीज़ दे सकते हो आप, सपोज कर लो ये आयरन है, क्या है ये? आपने आयरन का एक ग्राम लिया और इसका इस वक्त टेम्परेचर कितना है? हम इसको हीट देना शुरू करेंगे, क्या करना शुरू करेंगे? जब हम इसको हीट देंगे, हमें इसको हीट जब तक देनी है जब तक कि इसका एक डिग्री राइज ना हो जाए। ये बात समझ में आई? किसी भी चीज़ का एक ग्राम लो, यहाँ पे हमने क्या लिया? आयरन। सपोज़ हमने आयरन लिया एक ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना था बेटा? 30 डिग्री। हमने उसको क्या देना शुरू की? हीट। हमने उसको जब तक हीट दी जब तक कि उसका 1 डिग्री राइज ना हो जाए। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के एक ग्राम के अंदर, एक ग्राम का किसी भी सब्सटेंस के एक ग्राम के अंदर उसका 1 डिग्री क्या कर दे? हीट राइज करवा दे, टेम्परेचर राइज करवा दे, उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram of substance
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी चीज़ का आप 1 ग्राम लो, उसको हीट देना शुरू करो और जब तक हीट देते रहो जब तक कि उसका 1 डिग्री राइज ना हो जाए। तो 1 डिग्री राइज करने के लिए आपने जितनी उसको हीट दी है वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ गया समझ में बेटा? आ गया कुलसुम ना? आ गया समझ में? ये नाम है ना आपका? चलो सही। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब ये जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है, जब जाकर उसका क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? 70% वाटर होता है। तो हमारी बॉडी, तो ये बात क्लियर हो गई आपको? तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। वो वाटर को लार्ज क्वांटिटी में हीट चाहिए, जब जाके उसकी टेम्परेचर क्या होगा? रेज होगा। तो इसी वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या होती है? बायोलॉजी की वजह से इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज भी होता है तो उससे हमारा जो वाटर है बॉडी के अंदर इतनी जल्दी वार्म नहीं होता और हमारे केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो हो गए। तीसरा हमारे पास है बेटा, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? पानी का हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड चीज़ को जब हम हीट दें वो क्या बन के उड़ जाए? एवोपरेट हो जाए। ठीक है, गैस बन के एवोपरेट हो जाए। ठीक है, अब जो वाटर को हीट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसका अमाउंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इतनी जल्दी हमारा वाटर एवोपरेट नहीं होता। तो इससे भी यही फ़ायदा है कि अगर हमारी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो इतनी जल्दी हमारा वाटर एवोपरेट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी वाटर की कम होती तो थोड़ा सा भी हमें बुखार होता या हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता तो सारा वाटर क्या हो जाता? एवोपरेट हो जाता। या कहीं पे भी ज़्यादा गर्मी होती है किसी भी इलाके में तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका वाटर भी क्या हो जाता? सारा एवोपरेट हो जाता। लेकिन नेचर ने जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी क्या रखी है, सॉरी हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या रखी है? ज़्यादा रखी है। तो इतनी जल्दी वाटर एवोपरेट नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बेटा जब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉलिड में। ठीक है, तो उसके अंदर जब हम हीट निकालते हैं, हीट निकालनी पड़ती है। जब भी हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है? हमें उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकालनी पड़ेगी, जब जाके क्या होगा? वाटर क्या होगा? फ्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर टेम्परेचर बॉडी का कम भी होता है, अगर कोई ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे टेम्परेचर कम है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इतनी जल्दी हमारा वाटर जो है आइस नहीं बनता। इतनी जल्दी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है सेल के अंदर वो इतनी जल्दी क्रिस्टलाइज नहीं होता, इतनी जल्दी वो आइस नहीं बनता। वो केमिकल रिएक्शन आराम से कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं। ठीक है, सही है। तो ये हमारी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद चौथी क्या है? कहाँ जाने के लिए बस करनी है? कहाँ जाने के लिए बस करनी है?
इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। क्या नाम है? एम्फोटेरिक नेचर। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल तबार का बताओ। कौन बताएगा? ऐसे मॉलिक्यूल जो एज अ बेस और एज अ एसिड दोनों तरीके से एक कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। मतलब उनके पास बेसिक प्रॉपर्टीज भी और एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? सर इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। कम है, कहां कम? सही है, वो तो पीएच स्केल है ना। वो तो सही है, आप प्रॉपर्टीज बता रहे हो कि उसके 7 से कम पीएच होती है। वो व्हाट इज एसिड? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हम किसी वाटर के अंदर क्या करें, डिसॉल्व करें, तो वो क्या बनाए? एच पॉजिटिव आयन बनाए, उनको क्या बोलते हैं? एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। या ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें हार्ड प्रोटोन जो है वो क्या करें, डोनेट करें, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें क्या करें, प्रोटोन डोनेट करें। पढ़ा था ये, याद आ रहा है? ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें क्या करें, प्रोटोन डोनेट करें, उनको भी क्या बोलते हैं? एसिड। बेसिकली बेटा जब हम किसी हमने बात की HCl की, फॉर एग्जांपल जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और क्लोराइड। अब H पॉजिटिव बन गया, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? H पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या हो गया? एसिड। और आपको पता है जो H पॉजिटिव बना था वो प्रोटोन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटोन होता है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो H पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ क्या बचता है? प्रोटोन ही बचता है ना, तो इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटोन भी बोलते हैं। तो एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे या फिर वो प्रोटोन डोनेट करे। ठीक है, सही है। और बेस क्या होती है बेटा? जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वो क्या होती है? बेस, NaOH। इसको हम जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं? OH। OH नेगेटिव बनते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। अब वाटर जो हमारा मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक होता है तो OH पॉजिटिव भी बनाता है और OH नेगेटिव भी बनाता है। तो इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी हैं, एसिड की भी और, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्लियर हो गया? चलें आगे। दस मिनट है मेरे पास, सारे तुम जो है ना घड़ियाँ बढ़ा के लाए हो आगे। ये देखो 52 हो रहे हैं। नजर आ रहा है? 53। वीडियो बन रही है, सुन लो। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया? तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज भी और बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बेटा वाटर जो है एज अ बफर भी एक्ट करता है, एज अ वाटर जो है एज अ बफर भी एक्ट करता है। क्या होता है बफर? किसी को पता है? भूल गए? पहली बार सुना है?
बफर बेटा वो चीज़ होती है जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोक दे, सही। पीएच स्केल होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक क्या होता है, स्केल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक है। बेसिक है या एसिडिक है। इस स्केल को हम जो हमारे पास स्केल की जो स्केलिंग है वो कैसे है, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, सेवन जो है वो मिड पॉइंट है। जिस सॉल्यूशन की पीएच सेवन होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो ना एसिड होगा ना। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, सेवन। जीरो से सेवन के दरमियान क्या आते हैं, एसिडिक, और सेवन से फोर्टीन के दरमियान क्या आते हैं। तो किसी अगर सॉल्यूशन की पीएच जीरो से सेवन के दरमियान आ रही है तो उसका मतलब वो क्या है, एसिडिक। और अगर किसी की सेवन टू फोर्टीन के दरमियान आ रही है वो क्या है, बेसिक, ठीक है बेटा। अब जितना सेवन के करीब होगा उतना कम बेसिक, उतना कम एसिडिक होगा, और जितना फोर्टीन के करीब होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर पीएच चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल उसकी पीएच 7.5 है, कितनी है, किसी भी वजह से उसकी पीएच चेंज हो रही है, 8 पे जा रही है, कहाँ जा रही है, एसिडिक की तरफ, बेसिक थी अब मजीद बेसिक हो रही है, मजीद क्या हो रही है, तो उसको हमें रिस्टोर करना है, वापस कहाँ लाना है। तो बफर ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी पीएच को चेंज नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल अगर पीएच चेंज होने लगती है तो बफर क्या करते हैं, उस पीएच को मेंटेन करते हैं वापस से, उस सॉल्यूशन के पीएच के अंदर चेंज नहीं आने देते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बफर, ठीक है। किसी भी वजह से आ रखते हैं कहीं से भी, फॉर एग्जांपल उसके एग्जांपल से हम आपको समझाऊंगा पूरा, कल समझाऊंगा पूरा एग्जांपल देके, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही याद रखो कि बफर क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अगर एक सॉल्यूशन के अंदर जो पीएच है उसके अंदर अगर चेंज आ रही है तो उसको रिजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, सही है। अगर किसी की पीएच 7 है, या फॉर एग्जांपल किसी की पीएच जो है 5 है, और वो कहाँ जा रही है, 6 पे जा रही है, तो उसको वापस किस पे लेके आ जाएंगे, 5 पे लेके आ जाएंगे, उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देते, ठीक है। तो वाटर एज अ बफर भी एक करता है, वाटर बफर भी एक करता है, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के पीएच के अंदर आने वाला जो चेंज है उसको क्या करता है, रिजिस्ट करता है, उसको क्या करता है, रोकता है। इसका प्रोसेस मैं आपको पूरा कल समझाऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है।